आज हम लोग देखेंगे कि अन्य लोग में इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अफ्रीकी लोगों के साथ क्या हुआ। बहुत सारे अफ्रीकी जो थे, अफ्रीका देश के रहने वाले निवासी, वो अमेरिका में उनके पूर्वजों को ले जाया गया वहाँ, और उनके साथ बहुत सारी खेती बाड़ी करवाई जाती थी, मजदूरों के रूप में काम कराया जाता था। लेकिन बाद में वो भारतीय वहाँ के अमेरिका के नागरिक बन गए। फिर भी उनके साथ असमानताएं होती नहीं, और ये असमानता बहुत तरह की होती थी, जैसे उनके पार्क अलग होते थे, गोरों के पार्क अलग और अफ्रीका के पार्क अलग, अमेरिकन के पार्क अलग, उनके साथ साथ होटल अलग होते थे, उनके बस अलग होते थे, बस में कुछ सीटें रिजर्व होती थी गोरे लोगों के लिए। तो एक दिन की घटना है, रोजा पार्क्स मानसी नाम की अफ्रीकी अमेरिकी महिला, क्या नाम था उनका, रोजा पार्क्स, अफ्रीकी अमेरिकी महिला जो थी वो बस में चढ़ी 1 दिसंबर 1955 में, और उन्होंने आगे की जो सीट गोरों के लिए रिजर्व थी उससे वो थकी हुई थी, बैठ गई। उसी समय एक गोरे व्यक्ति आए, उन्होंने उनसे उठने के लिए कहा, लेकिन रोजा पार्क्स नहीं उठी और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, और फिर 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, इसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, और तब जाकर इस नस्ली भेदभाव को समाप्त किया गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, अब नस्ल के आधार पर, धर्म, राष्ट्र के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर